मोटापा बीमारियों का घर होता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन गाइस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग स्लो ईटर्स होते हैं, मतलब जो खाने को धीरे धीरे चबा के इत्मीनान से खाते हैं, उनके मोटे होने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन मोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। मोटे लोग, आपने कभी गौर किया हो तो वो बहुत ज्यादा फास्ट खाते हैं, चबा के नहीं खाते। इस वजह से उनके मोटापे की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मोटापे की प्रॉब्लम से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं, तो आप अपने खाने को इत्मीनान से धीरे धीरे चबा के खाएं। आपने कहावत तो सुनी होगी, 32 बार चबा के खाना, जिससे आपका जो खाना होता है वो अच्छे से क्रश हो जाता है। और ये करने से, इस हैबिट को अपनाने से, आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।